नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आरपीएससी ने एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर वाला पूरा स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें डेट्स के अलावा, परीक्षाओं की दिनांक के अलावा, उनके समय के अलावा, मैं आपको बता दूं, विषयवार भी पूरा शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि निम्न अनुसार है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो परीक्षा आयोजित होंगी, दो फेज में आयोजित हो रही हैं। एक बार चलेगी 18 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, और फिर उसके बाद में परीक्षा जो चलेंगी वो चलेंगी 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो इस तरह से परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 18 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित होगी वो सभी की कॉमन परीक्षाएं हैं, जो कि अपने पेपर वन और पेपर टू का होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपने पेपर थ्री और पेपर फोर वाला है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं अलग अलग दिन होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 18 फरवरी को ही दोनों परीक्षाओं का आयोजन। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी परीक्षाओं के अनुसार आपके विभागों से, अगर जो सरकारी सेवाओं में हैं वो अपनी छुट्टियां अभी ही भर दें, जिससे आपको आगे भविष्य में कोई परेशानी न हो और आप तैयारी अपनी निरंतर जारी रखें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं जल्द ही इंग्लिश की क्लास लेके आ रहा हूँ, जो आपको इसके अंदर बहुत ही बेनिफिट करेगी, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आरपीएससी एसीएफ के लिए। इसमें अपना जीके का है, 18 फरवरी को सुबह 9 से लेकर 12 बजे 3 घंटे का पेपर लगेगा, आप सभी को पता है। जनरल इंग्लिश का उसी दिन 18 फरवरी को 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पेपर रहेगा। 19 फरवरी को एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स का पेपर है। 20 फरवरी को जूलॉजी, बॉटनी का है। 22 फरवरी को फिजिक्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वेटरनरी साइंस का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा 23 फरवरी को कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पेपर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर है 24 फरवरी को। 25 फरवरी को पेपर होता है, वो आता है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का। 24 फरवरी को सिविल इंजीनियर का पेपर है, जो शाम के शिफ्ट में होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, 25 फरवरी को हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा मॉर्निंग की शिफ्ट में, फॉरेस्ट्री का होगा आफ्टरनून की शिफ्ट में, नून टाइम की शिफ्ट में। इसके बाद में 26 फरवरी को जो अंतिम शिफ्ट रहेगी वो है जियोलॉजी की। जियोलॉजी की जो शिफ्ट है वो 9 सुबह 9 बजे मॉर्निंग शिफ्ट, और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो शिफ्ट रहेगी वो रहेगी इवनिंग शिफ्ट। तो इस तरह से शिफ्ट रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी देख पा रहे होंगे, आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से आपके पास आज से अगर देखेंगे तो अपने पास 2 महीने और 3-4 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 60 डेज का स्ट्रेटेजी आपको पूरा बना के रखना है, अदरवाइज आपकी सीट कोई अन्य ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अब ये ध्यान रखिएगा, 60 दिन है, बिल्कुल तन मन से लग जाएं, बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करें और पूरी परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।